हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स चैनल। अब मैं एक नया प्रैक्टिकल करने वाला हूँ। नया प्रैक्टिकल ये है कि आज तक मैंने 12th तक के वीडियोस बनाए अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो शुरू से है, वो मैं आपको करवाऊंगा। तो फर्स्ट टाइम मैं आपको करवा रहा हूँ। सबसे पहला यूनिट जो है बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का, वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलेशन का मतलब होता है अवकल गणना, अवकलन गणना। मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, दोनों लैंग्वेज में मैं आपको सिमिलरली चलाऊंगा। अब देखो, इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो आता है ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। सबसे जो फर्स्ट टॉपिक आता है ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति, जिसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहता है? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति। अब क्या होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका कन्वर्जन बताऊंगा। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर मैं आपको एक तीसरा जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम बताऊंगा, पैरामेट्रिक यानी प्राचालिक। तीन टॉपिक मैं आज के इस वीडियो में आपको करवाऊंगा। तो फर्स्ट टाइम आप बात कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की। व्हाट इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम? जैसा कि हमने आज तक पढ़ा था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था, जिसमें हम एक्स वाई दो एक्सिस लेते हैं एंड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, हम यहां पे बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द ओरिजिन और पोल। जो फिक्स पॉइंट होता है, द फिक्स पॉइंट is called origin or pole। जो fixed point होता है उसको हम origin कहते हैं या फिर pole कहते हैं। अभी मैं आपको diagram से पूरा समझाऊंगा। Second times we construct a line from to origin or pole is called a polar axis। We construct a line, a ray from the ओरिजन पॉइंट और द फ्रॉम पोल। ओरिजन भी कह सकते हैं उसको और पोल भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड द पोलर एक्सिस। सो दैट पोलर एक्सिस, व्हाट इज दिस पोलर एक्सिस? व्हाट इज पोलर एक्सिस? अ रे कंस्ट्रक्ट फ्रॉम द ओरिजन पॉइंट और पोल। अब देखो, मैं आपको एक इसका जो डायग्राम है उसमें आपको बताता हूं। ये मेरा एक पॉइंट है ओ, दिस इज कॉल्ड पोल। This is the fixed point. This is constant point is called the pole, और हम इसको क्या कह सकते हैं? Origin, या हम इसको क्या कह सकते हैं? ध्रुव कह सकते हैं हिंदी में, और मूल बिंदु भी कह सकते हैं। ओके, अब यहां से क्या करते हैं कि फ्रॉम द ओरिजन और द पोल वी कंस्ट्रक्ट अ रे, अ लाइन। वी कंस्ट्रक्ट अ रे इज कॉल्ड द पोलर एक्सिस एंड दिस कॉल्ड द पोलर एक्सिस। ये क्या कहलाती है? इनिशियली लाइन। इसको इनिशियल लाइन भी कहते हैं, पोलर एक्सिस भी कहते हैं। बिकॉज इनिशियल लाइन क्यों कहते हैं? इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक। इनिशियल लाइन भी कह सकते हैं, जिसको हम हिंदी में प्रारंभिक रेखा भी कह सकते हैं। ये कहां से होती है? हमेशा ध्रुव से होती है, यानी पोल से होती है, पोलर। दिस इज कॉल्ड पोलर एक्सिस इज फ्रॉम टू द पोल और ओरिजिन पॉइंट, यानी ध्रुव या मूल बिंदु से एक प्रारंभिक रेखा या प्रारंभिक जो किरण है वो खींची जाती है, जिसको ध्रुवीय अक्ष कहते हैं, पोलर एक्सिस कहते हैं। अब यहां से क्या होता है कि यहां पर कोई एक पी पॉइंट है, यहां पर कोई एक पी पॉइंट है, उसके निर्देशांक जो है मुझे आर थीटा में प्रदर्शित करने हैं। ये होता है पोलर सिस्टम। ये क्या होता है? पोलर सिस्टम होता है। इसमें मुझे क्या करना है कि जो भी निर्देशांक, देखो हम कार्टेशियन में क्या करते थे, एक्स और वाई की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते थे। एक्स जो होता था वो एक्स एक्सिस पे होता था, वाई जो पॉइंट होता था तो वो वाई एक्सिस होता था। वाई जो थी वो एक्स से दूरी थी एंड एक्स जो थी वो वाई से दूरी थी। यहां पे हमको क्या करना है? आर और थीटा में रिप्रेजेंट करना है। जो पी की पोजिशन है वो हमको कैसे फाइंड करनी है? आर और थीटा में। आर और थीटा में कैसे फाइंड करेंगे? ये यहां से लेके यहां तक की जो लाइन है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं। यानी
इस रेखा की जो दूरी है यानी ओरिजिन पॉइंट से जो इसकी सीधी दूरी यानी पोजीशन जो है वो इसकी वो आर है और ये कितने एंगल पे है वो जो एंगल होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे जो निर्देशांक होंगे वो किस टाइप में होंगे आर थीटा में और वो कौन सा सिस्टम हो जाएगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। ठीक है वापस मैं आपको बता देता हूं कि फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन पॉइंट इन अ प्लेन एंड देन मेक या कंस्ट्रक्ट इनिशियली लाइन फ्रॉम टू द ओरिजिन या फ्रॉम टू द कह सकते हैं हम मूल बिंदु ध्रुवीय रेखा से खींची गई प्रारंभिक जो रेखा होती है दिस इज कॉल्ड पोलर एक्सिस या हम उसको कह सकते हैं ध्रुवीय अक्ष। ठीक है यहां से ध्यान रखना ये दूरी आर है ये थीटा है इस आर और थीटा से मिलके ये वाला है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो इसके निर्देशांक जो है कोऑर्डिनेट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आर थीटा की हमने बात तो कर ली आर और थीटा की लेकिन आर और थीटा को हम अगर कोई निर्देशांक हमको दिया जाएगा तो उसमें हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कैसे हम उसको ग्राफ में हम उसको डिनोट करेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखो अब यहां पर हम रिप्रेजेंट करना बताएंगे कि हमको अगर कोई कोऑर्डिनेट दे दे या फिर कोई पी आर थीटा मान ले कोई एक ऐसा कोऑर्डिनेट दे दे ऐसा पॉइंट दे दे जिसकी हम कह सकते हैं जो पोजीशन है वो आर टू है और थीटा पाई बाई थ्री है। इस टाइप से अगर हमको कोई कोऑर्डिनेट दे देंगे तो हम इस ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है जो ग्राफ दिख रहा है इस पर हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे इस पर इसको हम कैसे लिखेंगे। तो मैंने बताया था कि जो आर होती है वो ओरिजिन से सीधी डिस्टेंस होती है आर जो होती है वो क्या होती है ओरिजिन से सीधी डिस्टेंस होती है। अब यहां पर कोई पॉइंट है तो देखो फर्स्ट हमको क्या करना है उसका एंगल फाइंड करना है। देखो एंगल कितना है पाई बाई थ्री है तो एंगल पाई बाई थ्री है तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां से पाई बाई थ्री जो एंगल की डिस्टेंस है पाई बाई थ्री कोणीय विस्थापन कह सकते हैं हम इसको फिजिक्स की भाषा में। तो यहां से पाई बाई थ्री की अगर हम बात करें तो वो यहां पर आएगा ये हो जाएगा एंगल पाई बाई थ्री। फर्स्ट टाइम पे हमने क्या किया यहाँ पे थीटा फाइंड किया थीटा की वैल्यू क्या थी पाई बाई थ्री थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे टू व्हाट इज टू टू इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब टू यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा पॉइंट पी यहाँ पे तो इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आर थीटा एंड आर थीटा इज इक्वल टू टू कॉमा पाई बाई टू ये क्या हो जाएगा पी टू कॉमा पाई बाई टू हो जाएगा। ठीक है समझ में आया क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको रिप्रेजेंट करना ग्राफ में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे कन्वर्जन। देखो कन्वर्जन का मतलब क्या हो गया हम क्या करते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम किसमें बदलेंगे इसको कार्टेशियन कह दो या रेक्टेंगुलर कह दो। कार्टेशियन में हम इसको कैसे कार्टेशियन मतलब जिसमें हम एक्स वाई का यूज करते हैं जो हम नॉर्मली आज तक छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आए हैं कि वो कार्टेशियन फॉर्म होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्तीय निर्देशांक पद्धति और ये जो हम पढ़ रहे हैं वो ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति पढ़ रहे हैं। अब इनका रूपांतरण पढ़ेंगे कन्वर्जन पढ़ेंगे। कन्वर्जन में क्या होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम क्या करेंगे उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करेंगे। तो हाउ टू चेंज दिस देखो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं तो उसको चेंज करने का तरीका देखो यहां पे कोऑर्डिनेट कन्वर्जन सिस्टम में हम बात करते हैं सबसे पहला हम लेंगे एक कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अनुसार जो ग्राफ होता है हम इसका बार में इसको रफ कर देता हूं जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति का जो ग्राफ होता है वो मैं आपको बना के और उसका सारा सिस्टम बताता हूं। लेट अस कंसीडर टू द दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। लेट अस कंसीडर टू द जो हमने यहां पे ग्राफ बनाया था पोलर का पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एंड कंसीडर टू द प्रारंभिक रेखा इनिशियल कह सकते हैं पोलर एक्सिस ऑन द पॉजिटिव एक्स पोलर एक्सिस ऑन द पॉजिटिव एक्स। हम क्या कह सकते हैं कि जो पोलर एक्सिस है वो कहां पर है पॉजिटिव एक्स पर है यहां पर मान लेते हैं इसको पोलर एक्सिस हमारे कहां पर है पॉजिटिव एक्स पर है दिस इज ध्रुवीय या ध्रुव अक्ष कह सकते हैं ध्रुवीय अक्ष को चाहे ध्रुव अक्ष को पोलर एक्सिस। फिर हम बात करेंगे यहां से कोई थीटा है यहां से कोई थीटा एंगल पर है पी आर थीटा होता है ना एंड दिस इज आर। अब देखो हम क्या करते हैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं द कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस या फिर हम कह सकते हैं ऑन द पोलर एक्सिस। यहां से हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट किया जब परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो ये जो दूरी होगी वो वाई हो जाएगी ये जो डिस्टेंस है वो एक्स हो जाएगी। अब यहां पर कोई पॉइंट दे देते ये पॉइंट पी हो जाएगा और ये पॉइंट टी हो जाएगा पीओटी इन राइट एंगल ट्रायंगल पीओटी। हम क्या कर सकते हैं
सीधा ट्रिगोनोमेट्री लगा दे, ट्रिगोनोमेट्री लगा दे तो हमको सीधा सा पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। इतना दिमाग हो गए, ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ा हो गए सारे सिस्टम, सदिश वियोजन के नाम से इस फिजिक्स में टॉपिक चलता है। यहां से सीधा हमारा बात करते हैं एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा और वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। एक्स की बात करते हैं तो कौन कहां पर है एक्स के साथ में, कौन कहां पर है एक्स के साथ में है तो ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखो जहां पे जिस एक्सिस के पास एंगल होता है थीटा होता है कोण होता है वहां पर हमेशा क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, और एकदम थीटा के सामने वाला जो परपेंडिकुलर होता है वहां उसकी डिस्टेंस जो होगी हमेशा वो आर साइन थीटा होगी। हमेशा ध्यान रखो, ट्रिक भी बता देता हूं, कॉ ट्रिक ध्यान रखो, देखो कॉ का मतलब क्या होगा हिंदी वालों के लिए, कौन मतलब हो गया कौन और इसका मतलब हो गया कॉस, कौन के साथ हमेशा क्या आएगा कॉस आएगा। आप भी ध्यान रख सकते हो एंगल के साथ में क्या आएगा हमेशा कॉस आएगा, ये एंगल है, एंगल किसके साथ है, एंगल है हमेशा एक्स एक्सिस के साथ, तो हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये कन्वर्जन हो गया। देखो रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड देन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्स है वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के आर कॉस थीटा के इक्वल है, यानी आर और उसकी कॉस थीटा जो उसका कोसाइन है उस कोसाइन के जो एंगल है उस वैल्यू के इक्वल है, यानी जो ये रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन। अब इस रिलेशन को मैं एक बार आपको प्रूव करके बताता हूं कि ये रिलेशन असल में है क्या। जैसे हम बात करते हैं सर्किल की इक्वेशन होती है, सर्किल की इक्वेशन सबको पता होगी, सर्किल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर नहीं लिख के मैं ए लिख देता हूं या आर लिख देता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, क्योंकि आर यहाँ पे हम जो है पोलर कोऑर्डिनेट में उसको आर से डिफाइन करते इसलिए मैं आर का यूज नहीं कर रहा हूं, ए का यूज कर रहा हूं। आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या फिर यहाँ पे आर भी लिख सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां से मैंने क्या किया इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने यहां पे कन्वर्ट किया है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने इसको कन्वर्ट किया है, सर्किल की इक्वेशन ली है। सर्किल की इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी लिख देते हैं यहां पे क्योंकि बिकॉज दिस इज रेडियस, ये लिख देते हैं यहां पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहां से अगर हम बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड दिस इज वन, ओके एंड आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड आर इज इक्वल टू ए, ये आ गया एक सिस्टम कन्वर्जन हो गया। ये क्या था, ये किसमें है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर्किल की इक्वेशन है, ये किसमें आ गए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सर्किल की इक्वेशन आ गए, है दोनों सर्किल की इक्वेशन ही, ये इसमें किसका कन्वर्जन हो गया पोलर टू कार्टेशियन, किससे हो गया सॉरी कार्टेशियन टू पोलर, कार्टेशियन टू किसमें हो गया पोलर में हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहां पे पैरामेट्रिक, देखो मैंने आपको कन्वर्जन पूरा बता दिया एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब मैं आपको बता देता हूं यहां पे टेन का भी, देखो हमने क्या किया एक्स एंड वाई का निकाल लिया तो हम टेन भी निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं देखो यहां से वन एंड टू डिवाइड वन एंड टू डिवाइड वन करो सो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, देखो आर से आर कट हो जाएगा वो हो जाएगा टेन थीटा, यानी टेन थीटा जो है वो एक्स अपॉन वाई के इक्वल हो जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं लंब बटा जो आधार है उसके हिसाब से हम बात कर परपेंडिकुलर अपॉन बेस की हम बात कर सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट टाइम हम बात करते हैं इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म की, पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब होता है प्राचालिक रूप, और प्राचालिक रूप की हम बात कर लेते हैं। देखो पैरामेट्रिक आपने नाम सुना होगा, जो ट्वेल्थ में हम डिफरेंशियल पढ़ते हैं उसमें एक टाइप्स आता है पैरामेट्रिक फॉर्म, डिफरेंशियल ऑफ द पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है, हम एक्स और वाई के अलावा एक तीसरा जो एक अलग बात करते हैं अलग वेरिएबल की वो आता है, वैसे हम अक्सर जगहों पर टी देखते हैं तो टी को एज अ पैरामेट्रिक वेरिएबल या पैरामीटर के रूप में उसको क्या लिया जाता है, उसको प्राचाल के रूप में लिया जाता है, ठीक है। अब मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा हूं जैसे एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। सर्किल के जो पैरामीटर होते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, जो पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो क्या हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, टी यहां पे नहीं आया, वहां पे क्या था, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा था, यहां पे a cos t है। व्हाट इज t, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a sin t। अब बात करते हैं t की, व्हाट इज t, t इज द पैरामीटर, या फिर हम कह सकते हैं t इज द चेंजेबल वेरिएबल, t इज द वेरिएबल। अब देखो एक्स वाई भी चेंजेबल है, एक्स वाई भी चेंजेबल है, एंड t इज ऑन द पैरामीटर ऑफ द सर्किल। सर्किल की पैरामीटर जो होती है सर्कमफ्रेंस, उस पर टी कोई भी पॉइंट हो सकता है और वो चेंजेबल नहीं होता है, ठीक है। यहां से हम बात कर लेते, जैसे इसके हम एग्जांपल लेके बात कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। जैसे हम देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे दे दिया टू स्क्वायर, आर हो गए इसकी टू। अब यहां पे क्या हो जाएगा, एक्स की मैं बात करूंगा, सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू कॉस टी, एंड देन y इज इक्वल टू टू साइन टी, टू साइन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब यहां से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कब फाइंड कर सकते हैं वैल्यू, देखो ये इस टाइप का एक सर्कल है, इस सर्कल के जीरो पे क्या होगा, 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, पाई बाय सिक्स, पाई बाय थ्री, पाई बाय फोर, इन सब पे क्या हो जाएगा, ये सारी वैल्यू हम टी में पुट कर सकते हैं। टी में पुट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू निकाल के हम एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट है किसमें, पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाल सकते हैं। ये भी एक तरह का कन्वर्जन हो गया, रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड द पैरामेट्रिक फॉर्म इन द सर्किल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पैराबोला की इक्वेशन। देखो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला की हम इक्वेशन की अगर बात करते हैं, उससे पहले एक बार इसको आपको पूरा समझना है ध्यान से। पैराबोला की इक्वेशन की मैं बात करता हूं तो वाई स्क्वायर बराबर फोर एसी, ये होती है वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, फोर एसी हो जाएगा। अब इसकी मैं बात करता हूं इक्वेशन की, तो वो इक्वेशन हो जाएगी मेरे पास, सॉरी यहां पे पैरामीटर जो पैराबोला की इक्वेशन है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए एक्स हो जाएगी, ऐसी नहीं होगी, ए एक्स हो जाएगी। अब मैं यहां से इसके पैरामेट्रिक फॉर्म की बात करता हूं, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में जो एक्स की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी ए टी स्क्वायर एंड देन वाई इज इक्वल टू टू ए टी, ये हो जाएंगे पैराबोला के पैरामेट्रिक, पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म ये हो जाएगी, ये हो जाएगी सर्किल की। ऐसे हर एक की पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, लेकिन अपने को फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे प्राचालिक होता क्या है, प्राचाल रूप होता क्या है, उसमें एक्स वाई के अलावा एक तीसरा वेरिएबल आता है जो कि उस कर्व के ऊपर या उस जो वक्र है उस पर ही स्थित होता है, ऑन दैट कर्व और दैट हम कह सकते हैं वक्र, उस वक्र पर ही स्थित होता है, ये होता है पैराबोला यानी परवल है जिसको हम कहते हैं, उसके प्राचालिक रूप में जो निर्देशांक होते हैं और ये होते हैं इसके सर्किल के। हमने तीन चीज पढ़ी यहाँ पे आज, फर्स्ट क्या था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ द कन्वर्जन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या था कि हमने पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने चेंज किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, फिर वापस कार्टेशियन को भी हमने किसमें चेंज किया था, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। नेक्स्ट हमने बात किया यहाँ पे पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, पैरामेट्रिक फॉर्म में भी क्या था कि टी जो होता है वो इसकी सर्कमफ्रेंस एंड जो इसकी पैरामीटर होता है उसके ऊपर स्थित होता है, उस पर रहता है, उस पर ही मूवेबल होता है। एंड देन यहाँ पे हम बात की थी सर्कल एंड पैराबोला के जो पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं उनकी। सो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो इसी टॉपिक का अगला टॉपिक, इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ द आर्क लेंथ, वो मैं आपको इसमें टॉपिक में लाऊंगा, उसमें पोलर भी बताऊंगा कार्टेशियन भी बताऊंगा, और इसी तरह मैं आपके एल्जेब्रा एंड 3D जो है वो कॉनिक सेक्शन, वो भी मैं आपको इस पार्ट में आगे साथ कराता रहूंगा। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी जो बीएससी के जो क्वेश्चंस हैं, बीएससी के जो टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में प्लेलिस्ट में आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।